अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पालक गोश्त की रेसिपी। ठीक है, एक गट्ठी बड़ी मैंने पालक की ली है, दो आलू हैं, 3 पाव से थोड़ा सा कम है गोश्त, ठीक है, और ये सारे स्पाइसेस जाएंगे, सॉल्ट, हल्दी और कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, वाइट मिर्च, लहसुन पाउडर और रेड चिली पिसी हुई। ठीक है, एक बड़ी प्याज लेनी है, लहसुन अदरक और 1 कप पानी, और साथ हम टमाटो पेस्ट लेंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे ये गोश्त। गोश्त को आपने अच्छे से फ्राई करना है। इसका तो कलर ना चेंज हो जाए। ठीक है, हम डाल देंगे लहसुन अदरक और इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, पालक गोश्त में आलू ऑप्शनल हैं आपके पास, वो आप पे डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें, मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये तो फ्राई किया, देखिए ये हमारा गोश्त बन चुका है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, इसके अंदर हम ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे। ठीक है, अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके, 1 से 1.5 कप पानी ऐड करके हम इसके अंदर इसको 45 मिनट तक कुक करेंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के इसको अब पकने के लिए रख देंगे। 45 मिनट हम इसको कुक करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गोश्त भून के तैयार है। ठीक है, अब इसमें हम ये डालेंगे आलू, तो अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है गरम मसाला। गरम मसाला हमने इस पॉइंट पर डालना है आलू अपना। ठीक है, और उसके साथ ही ये चली जाएंगी हरी मिर्चें। अब इसको आप अच्छे से फ्राई करके अब इसमें हम डाल देंगे पालक और फिर इसको दम पे होने देंगे। ठीक है, पालक डालने के बाद आप पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पालक का और आलू का अपना पानी होता है जो उसमें ये डल जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला भून के रेडी है। इसके अंदर हमने आलू भी डाल दिए हैं, ठीक है, गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे पालक। पालक आपने अच्छे से वॉश कर लेनी है। ठीक है, अब इसको हिलाकर इसको आपने दम पे रख देना। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसके अंदर पालक ऐड कर दी है। अब इसको हम 20 मिनट का दम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से आलू और ये सब कुछ गल जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, तो फ्रेंड्स हमारा पालक गोश्त रेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अच्छा सा भुन गया है। प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई करें और लाइक करें मेरे पेज को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।